हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधा सिंह आज फिर आई हूँ एक नए वीडियो के साथ। और ये भी वीडियो है कुकिंग वीडियो। इसमें हम बनाएंगे फिश फ्राई, वो भी एयर फ्रायर। तो हम करेंगे फिश फ्राई, ये फिश फ्राई हम करेंगे एयर फ्रायर में एक टेबल स्पून के साथ। आप चाहो तो बिना ऑयल भी आप फिश फ्राई कर सकते हो। तो बहुत छोटी सी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं रेसिपी कैसी है। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर। स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमें फिश फ्राई करने के लिए जिस चीज़ की नीड होगी वो यहाँ पे है। तो ये है अचार, आम का अचार, बाद में बताऊँगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है हरी मिर्च। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च ले सकते हैं, आपको जितना तीखा खाना हो। मैंने यहाँ पे हरी मिर्च कम ली है क्योंकि यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च भी ले रही हूँ, तो उसका भी कुछ तीखापन होता है इस वजह से। और फिर यहाँ पे लिया है मैंने कुछ अदरक, थोड़े बहुत लहसुन, लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च और ये कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। और इसका हल्का पन तीखापन भी थोड़ा बहुत इसमें आता है, तो इस वजह से मैंने हरी मिर्च कम ली है। और ये है बेसन और ये है चावल का आटा। चावल का आटा हम यूज़ करेंगे जिससे थोड़ी सी हमारी जो हम फिश फ्राई करेंगे तो वो थोड़ा क्रिस्पी होगा, तो इस वजह से चावल का आटा यूज़ करेंगे। और इसमें हम डालेंगे ये आम के अचार। आम के अचार का जो ऊपर का हिस्सा होगा वो हम इसमें डालेंगे, ये काफ़ी चटपटा और स्पाइसी बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी में सारी चीज़ों को एक साथ ग्राइंड कर लिया है, एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे ग्राइंड करके। आप चाहो तो चावल के आटे को और बेसन को अलग से भी इसमें ऐड कर सकते हो बाकी चीज़ें पीसने के बाद, बट मैं ग्राइंड में मिक्सर में ही डाल देती हूँ, एक साथ ग्राइंड कर लेती हूँ। और ये है क्या कहते हैं आम का अचार, जिसकी मैंने गुठलियाँ निकाल दी हैं। और ये सबको पीस के एक अच्छा सा बैटर बना लीजिए, थोड़ा सा थिक हो, आप चाहो तो पतला ही बना सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और हल्दी पाउडर डाला है। ये हैं फिश के पीसेस जिन्हें हम फ्राई करेंगे। इस पर आप मसालों की अच्छे से कोटिंग कर लो, मसाले अच्छे से उसमें लग जाएं, इस तरीके से कोटिंग कर लीजिए। इसके बाद मैंने यहाँ पे एयर फ्रायर को प्री हीट करने के लिए सेट कर लिया है 200 डिग्री पे। 5 मिनट्स के लिए इसको प्री हीट करेंगे। ये मेरा एयर फ्रायर इनेल्सा का है। इनेल्सा का एयर फ्रायर काफ़ी अच्छा है, मतलब मैं यूज़ कर रही हूँ तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आप किसी भी ब्रांड का एयर फ्रायर ले सकते हो। यहाँ पे मैंने पीसेस पे बहुत अच्छे से मसाले की कोटिंग कर ली है, बहुत अच्छे से इसमें मसाले लग गए हैं। अब हम यहाँ पे हमारा एयर फ्राई प्री हीट हो चुका है। अब एक ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा ऑयल नीचे लगाएंगे, थोड़ी सी ग्रीसिंग करेंगे, उसके ऊपर हम अपने पीसेस रख देंगे। मैंने यहाँ 180 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए टाइम सेट कर दिया है। अब इसको हम 10 मिनट बाद चेक करेंगे और उसके ऊपर से थोड़ी सी फिर से ऑयलिंग करके एक ब्रश की हेल्प से इसको 5 मिनट्स के लिए फिर से कुक करने के लिए रख देंगे। और ये 15 मिनट में बहुत ही अच्छा कुक हो जाएगा। ये देखिए हमारा रेडी हो गया है, ये पूरी तरीके से कुक हो चुका है। अब इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे और फिश फ्राई का मज़ा लेंगे। तो है ना ये काफ़ी अच्छी चीज़, आपका ऑयल भी कम लग रहा है और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हेल्दी है, बहुत कम ऑयल में ये बना है। आप चाहो तो वो भी ऑयल नहीं यूज़ करो, वैसे भी बन सकता है, आप बना सकते हो, बट मैंने थोड़ी सी ऑयलिंग कर दी थी। प्लीज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि ये रेसिपी उनके पास भी पहुँचे। तो ये अचारी फिश फ्राई रेसिपी आप लोग को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कॉमेंट करके।